दादी माँ की बहुत ही आसान 40 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, जरूर सुने। नंबर एक, अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चीकू आज से ही खाना शुरू कर दें। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों के लिए आवश्यक होती है। नंबर दो, धनिये के चंद पत्ते चबाने से उल्टी आना बंद हो जाता है। नंबर तीन, खून साफ करने और चर्म रोगों से बचाने में गोभी बेहद फायदेमंद होती है। इसके लिए आप चाहें कच्ची गोभी या इसका जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं। नंबर चार, खाने में ठंडी चीजें कम से कम खाएं, इससे पेट और दांत की समस्या होती है। नंबर पांच, सीताफल खाने से टेंशन दूर होता है व गुर्दों की बीमारी ठीक होती है। नंबर छह, गले के इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए हल्दी के पानी के गरारे भी बहुत फायदेमंद होते हैं। हल्दी एक एंटीवायरल औषधि है जो हमें मौसमी इन्फेक्शन से बचाती है। एक गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच हल्दी डालकर उसे 3 से 4 मिनट तक उबाले और फिर इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। नंबर सात, पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। नंबर आठ, रोजाना खाने के बाद 1 चम्मच किशमिश खाने से आपका खाना बेहतर रूप से अवशोषित हो पाता है, जिससे शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। नंबर नौ, यदि आप सुबह बासी मुंह कंघी करते हैं तो इससे आपके बाल मजबूत होंगे। नंबर दस, खाली पेट नहाने से बुढ़ापा देरी से आता है। नंबर 11, जब भी आप नाखून काटें तो नाखून काटने के बाद तेल जरूर लगाएं, इससे याददाश्त बढ़ती है। नंबर 12, क्या आपको पता है कि दही को बालों की जड़ों में लगाने से बाल मुलायम हो जाते हैं और दिमाग को ठंडक मिलती है। नंबर 13, करौंदे को खाने से वजन कम किया जा सकता है। नंबर 14, सिर में मेहंदी लगाने से माइग्रेन के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 15, अगर आप सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 16, चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लौंग वाला पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। नंबर 17, जो लोग कम खाना खाते हैं उनका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। नंबर 18, भूख ना लगने की समस्याएं हो तो पानी में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से भूख खुलकर लगने लगती है। नंबर 19, बारिश में पत्ता गोभी और फूल गोभी नहीं खानी चाहिए, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं और जो पेट के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 20, आधा खीरा और 2 से 3 चम्मच दही को मिलाकर पेस्ट बनाएं और अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगाएं और इसे सूखने तक छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। नंबर 21, काली मिर्च के सेवन से सर्दी और खांसी दूर होती है। नंबर 22, हिचकी आने पर नींबू काटकर उस पर सेंधा नमक लगाकर चाटे या पुदीने के पत्ते चबाया करें। नंबर 23, दालचीनी का सेवन करने से पेट दर्द से राहत मिलती है। नंबर 24, यदि आपको प्याज को सुरक्षित रखना है तो प्याज को ऐसी जगह पर स्टोर करें जहां नमी या पानी ना हो, क्योंकि हल्के से पानी के संपर्क में आते ही प्याज खराब होकर सड़ने लगते हैं। नंबर 25, टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद खराब हो जाता है। नंबर 26, हफ्ते में एक बार सूखी हुई लाल मिर्च की चटनी खाने से कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 27,
इन पांच पेड़ों में कलावा बांधने से आपकी किस्मत सोने की तरह चमकेगी। तो नंबर एक पर है तुलसी। तो तुलसी के पेड़ में कलावा बांधने से आप व आपके घर परिवार में कभी भी कोई विपदा विपत्ति नहीं आती है। नंबर दो पर है बरगद। तो बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है व स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। नंबर तीन पर है पीपल। पीपल के पेड़ में कलावा बांधने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है व घर में शांति बनी रहती है। नंबर चार पर है केले का पेड़। तो केले के पेड़ में कलावा बांधने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। नंबर पांच पर है शमी का पेड़। तो शमी के पेड़ में कलावा बांधने से बुरी शक्तियों से रक्षा होती है व राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। तो अब चलते हैं नंबर 28 पर। अगर भूख नहीं लगती है तो आप आम का अचार खाएं, इससे आपको भूख लगने लगेगी। नंबर 29, फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से कब्ज की समस्या होती है क्योंकि हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप फ्रिज की जगह मटके का पानी पिए। नंबर 30 पर है सफेद चने खाने से बालों का गिरना कम हो जाता है। नंबर 31, अगर नींद ना आने या कम नींद आने की समस्याएं हो तो रात को सोते समय गर्म दूध में शहद का प्रयोग करें, इससे नींद बेहतर होगी और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। नंबर 32, यदि आप फोन के पीछे पैसे रखते हैं तो बहुत लोग की आदत होती है फोन के कवर में पैसे रखने का, तो आपके फोन फट भी सकते हैं और जान भी जा सकता है क्योंकि नोट जिन केमिकल से बनता है वह बहुत जल्दी आग पकड़ती है। नंबर 33, रोजाना भीगी हुई किशमिश खाने से पेट से जुड़ी समस्या खत्म होती है, साथ ही हड्डियां भी मजबूत हो जाती है। नंबर 34, फिटकरी को पानी में घोलकर नहाने से जिस्म की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 35, बारिश के मौसम में मशरूम में फफूंद जल्दी लग जाती है, इसलिए बरसात में मशरूम से दूरी बनाकर रखें। नंबर 36, संतरा खाने से जोड़ों की दर्द से राहत मिलती है। नंबर 37, लकवा होने पर मरीज को लहसुन के साथ शहद का सेवन करना चाहिए जिससे मरीज को बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 38, डायबिटीज के मरीजों के लिए आम के अचार का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नंबर 39, जामुन के बीज को पीस कर खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। नंबर 40, भुने हुए लहसुन खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त फैट कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।